कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह ने आरोप लगाया है कि आईएएस अफसर जीपी कबीर पंथी के पुत्रों द्वारा भोपाल में की गई घटना में आईएएस और आईपीएस अफसर ने मिलकर षड्यंत्र किया है और भोपाल घटना की रिपोर्ट दतिया में कराई है। विधायक गोविंद सिंह ने ये मामला प्रश्नोत्तर काल के दौरान विधानसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि अगर गृह मंत्री इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो दतिया में जन आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश शासन के उच्च संस्था में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों के परिवार के लोगों द्वारा एक भोपाल में अनिल श्रीवास्तव नाम के लड़के पर हमला किया और उसके यहाँ रिपोर्ट न लिख के उन्होंने अपने बचाव में दतिया के पुलिस अधीक्षक ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए असत्य प्रकरण पंजीबद्ध किया और 13 चोटें भी डॉक्टर मेडिकल ने फर्जी मेडिकल करके उसको घायल दिखाया है और एक ही समय में 4 घंटे बाद वह प्रकरण दतिया भोपाल और दतिया में दर्ज होता है अपराधियों के विरुद्ध। ये पूरी की पूरी तरह शासन की कार मंशा प्रतीत होती है कि राजनीतिक आधार पर और प्रशासनिक अधिकारी के दबाव में मध्य प्रदेश में दतिया के पुलिस अधीक्षक द्वारा अनेकों प्रकरण फर्जी दर्ज कराकर प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है और आज प्रश्न में हमने उनके जांच की मांग की थी। माननीय गृह मंत्री जी ने पूरे प्रकरण में जांच का आश्वासन दिया है लेकिन कोई भरोसा नहीं है। गृह मंत्री जी 3 वर्ष पूर्व भी एडिशनल डी से जाँच कराने का अनेक आश्वासन दे चुके हैं परंतु अभी तक ये उनका जांच के प्रतिवेदन अभी तक नहीं आए हैं। इसलिए सरकार की मंशा साफ है नहीं और हम इसको अगर नहीं आया तो हम जन आंदोलन जाके दतिया में खड़ा करेंगे। इस पर गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि आईएएस अफसर जीपी कबीरपंथी के पुत्रों द्वारा भोपाल में की गई घटना और दतिया में कराई गई रिपोर्ट सहित पूरे मामले की जाँच एडीजी स्तर के अधिकारी द्वारा कराई जाएगी। जो मामला है कलेक्टर कमिश्नर आईएएस आईपीएस से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी ने अपराध किया है तो अपराधी और उसी के हिसाब से कानून कार्रवाई करता है। भोपाल में एक प्रकरण दर्ज हुआ है उसमें दोनों आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है मेडिकल बोर्ड के सामने क्योंकि एक काउंटर जो केस दतिया में दर्ज हुआ है उसके मामले में प्रश्न था और उसमें मेडिकल रिपोर्ट जो सरकारी डॉक्टर ने दी है उसके आधार पर प्रकरण दर्ज हुआ है लेकिन उसकी भी जांच कराने के लिए हमने संबंधित व्यक्ति को मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होने के लिए निर्देश दिया है और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद और हमने भी एडीजी स्तर के अधिकारी से पूरी जांच कराने के निर्देश दिए हैं। कहीं कोई किसी की गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। गोविंद सिंह ने कहा है कि कबीरपंथी ने दतिया में कलेक्टर होने का फायदा उठाकर अपने पुत्रों से दतिया में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसमें खास बात यह है कि कबीरपंथी के पुत्रों ललित मुनि उर्फ रोनी और संभव ने दतिया में जो रिपोर्ट लिखाई है उसमें 13 जख्म बताए गए हैं जो कि सही प्रतीत नहीं हो रहे हैं। कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ वैष्णवी चौधरी, एमएस न्यूज भोपाल।